नमस्ते एवरीवन, आई एम सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आपको पता है कि मैंने पर्पल से शॉपिंग करते समय इतने पैसे बचाए हैं ना कि आपको आपको सुन के ना आपका होश उड़ जाएगा कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, इतने पैसे कैसे बच गए, क्योंकि मैंने लाइक 300-400 के प्रोडक्ट ओनली 99 रुपीज में परचेस किए हैं। तो सोचो मैंने कितने पैसे बचाए होंगे। एक्चुअली अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैंने 10-15 दिन पहले एक इंस्टा पे स्टोरी डाला था। एक्चुअली ये वीडियो पहले ही आने वाली थी बट मेरे पर्सनल रीजन की वजह से मैं ये वीडियो नहीं आप लोग के साथ शेयर कर पा रही थी, बट फाइनली मैं आज आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। तो मैंने ना इंस्टा पे आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर किया था कि पर्पल पे बहुत अच्छा सेल चल रहा है, वहाँ पे बहुत ही सारे सेल के ऑप्शन हैं, मतलब कि बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑप्शन था, 99 वाला था एंड और भी बहुत सारे थे, लाइक 80%, 60% एंड बहुत ही सारे ऑप्शन थे ऑफर के। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट जो लिए हैं वो 99 में लिए हैं, मतलब कुछ नहीं बहुत ही सारे, एंड कुछ मतलब थोड़ा बहुत मैंने लिया है जिसपे ओनली 30% या फिर 40% ऑफर चल रहा था, बट वो भी बहुत ही अच्छे लगे मुझे क्योंकि उस पर ज़्यादातर ऑफर चलता ही नहीं, ऑफर मिलता ही नहीं है उस प्रोडक्ट पे, इसलिए मैंने उसको फटाफट से परचेस कर लिया। तो अगर मुझे आप इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो ना तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे आप लोग के साथ मेकअप टिप्स एंड बहुत ही सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है supriya906010, मैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहती हूँ, तो कुछ भी क्वेश्चन भी आपके दिमाग में घूम रहा है या फिर कोई भी चीज़ आप मुझे पूछना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो। ओके, तो आज मैं वही सारे प्रोडक्ट का हॉल शेयर कर रही हूँ, आज मैं आप लोग के साथ पर्पल हॉल शेयर करने वाली हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने पर्पल से शॉपिंग किया है। एंड आपको पता है इस वीडियो को बनाने से पहले ही एक बार मैंने शॉपिंग किया, जिस टाइम मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था इंस्टा पे स्टोरी पे, उसके बाद मैंने दोबारा से शॉपिंग कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इतने सारे प्रोडक्ट हो ही गए हैं तो एक बहुत ही अमेजिंग सा होल सेल किया जाए। एंड मैं आपको बता दूं कि वो अभी सेल चल नहीं रहा है बट फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे वहां पे, एंड अभी भी वहां पे डिस्काउंट चल रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो purple.com पे। मैं सारे प्रोडक्ट के नेम मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, चेक कर लेना, अगर लिंक भी मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देखने में सो प्लीज लास्ट तक देखना, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Let's get this started. सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये Faces Canada का All Time Pro Makeup Fixer, एंड ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में मुझे ये मिला है। मैं इस प्रोडक्ट को बहुत दिन से लेना चाहती थी बट मैं नहीं ले पा रही थी किसी रीजन से, तो मैंने सोचा अब चलो इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं इसको ले ही लूँ। तो गाइज इसका जो रियल प्राइस है वो है 349 रुपीज, बट मुझे इस पे टोटल 34% ऑफ मिला है, मुझे ये मिला है ओनली 227 रुपीज का। तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं है बट फिर भी मुझे ये डिस्काउंट अच्छा लगा इस प्रोडक्ट के लिए, तो मैंने इसको फटाफट से ऑर्डर कर लिया है। एंड जैसा कि इस पे लिखा गया है कि ये नॉन स्टिकी है, तो गाइज यस, ये बिल्कुल भी स्टिकी वाला नहीं है मेकअप फिक्सर। कोई कोई ऐसे मेकअप फिक्सर होते हैं उसको अप्लाई करने के बाद ना ऐसा अजीब सा ऐसे स्टिकी सा फील होता है, बहुत ही अजीब लगता है वो, तो ऐसा नहीं है इसके साथ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसको मैंने 2-3 बार यूज किया है अभी तक एंड ये अफोर्डेबल के साथ साथ ना काफी अच्छा काम कर रहा है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये रहा। सेकेंड प्रोडक्ट है ये NYBae का कंसीलर, ये है NYBae का लिक्विड कंसीलर। इसके अंदर की पैकेजिंग मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो रियल प्राइस है वो है 225 रुपीज, बट मुझे ये मिला है ओनली 99 रुपीज में। यस आप सही सुन रहे हो, ये मुझे सिर्फ 99 रुपीज में मिला है। ये पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। प्रोडक्ट का आप सेट नंबर मैं आपको बता दूँ इसमें, तो सेट नंबर मैंने इसमें लिया है 07। एक्चुअली उस पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिनके सेट्स आप नहीं चूज कर सकते थे जो 99 वाले ऑप्शन में थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी सेट काफ़ी अच्छा होगा मुझे एज अ कलर करेक्टर यूज़ करने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके के सेट में है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, कैन सी बहुत ही ईजिली ब्लेंड भी हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है, काफ़ी क्रीमी है, बहुत अच्छा है ये, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। वैसे भी इसका रियल प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है इस प्रोडक्ट के काम के अकॉर्डिंग, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है ये पर्पल का पेंसिल काजल इन दी सेड 2 ब्लू, ये ब्लू सेट में है, ये है पर्पल का कोहल आई पेंसिल इन दी सेड 2, एंड इसका जो रियल प्राइस है गाइज वो है 375 रुपीज का। एंड आपको पता है कि मुझे कितने का मिला, सही सोच रहे हो आप, ये मुझे ओनली 99 रुपीज का ही मिला है। एंड गाइज ये एकदम स्मच प्रूफ काजल है एंड इसकी पिगमेंटेशन आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, एंड इसमें थोड़ा सा ना एकदम इसमें थोड़ा सा लाइक साइनी सा इफेक्ट भी है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एंड ये जो काजल है एकदम स्मच प्रूफ है, मैंने यहाँ पे भी कंसीलर अप्लाई किया था बट फिर भी आप देखो
एकदम स्मच रूप है। मैं और भी सेट्स थे बट वो डिस्काउंट पे नहीं थे, बट मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको परचेस कर लिया। ये लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड वाटर प्रूफ भी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये NYB का लिक्विड लिपस्टिक, इसका सेट नंबर है 19, यू कैन सी। एंड गाइज इसका जो रियल प्राइस है वो है 235 रुपये का ये लिपस्टिक है। एंड पैकेजिंग तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार, एकदम बहुत ही ज़्यादा ऐसा अच्छा सा फील हो रहा है इसको टच करने के बाद। तो आप सोच सकते हो ये है लिपस्टिक 235 रुपये का, एंड ये मुझे कितने का मिला है आप बता सकते हो? सोचो जी। नहीं, इस बार आप गलत हो। अगर आप सोच रहे हो कि 99 रुपीज़ का, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये लिपस्टिक मुझे 0 रुपये में मिला है। मतलब ये मुझे फ्री में मिला है, मैंने 2 बार शॉपिंग किया है एंड दोनों ही बार मुझे 2 गिफ्ट्स मिले, तो ये मुझे फ्री में मिला है। एंड इसका सेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मैंने तो सोचा था कि रेड आएगा क्योंकि मैंने रेड ऑप्शन में ही चूज़ किया था। यू कैन सी यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे ब्राइट पिंक जैसा है। इसको मेरे स्किन टोन पे आप अप्लाई करोगे लाइक मीडियम स्किन टोन पे, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा विदाउट लिप लाइनर। तो लिप लाइनर अप्लाई करके आप इसको अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लिपस्टिक है, बट इसमें सेट मुझे चाहिए था रेड, मैंने चूज भी किया था, बट पिंक आ गया। कोई बात नहीं है, हम इसको यूज़ कर लेंगे, बहुत ही सारे तरीके बताए हमें, हम तो इसको एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा फ्री प्रोडक्ट, एंड फ्री प्रोडक्ट तो सबको ही पसंद होता है यार, तो मुझे क्यों नहीं पसंद होगा। तो ये हो गया फ्री का माल, एंड अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मैंने लिया है ये स्टेक वर्की का लिपस्टिक, मीनी लिक्विड लिपस्टिक। एंड आपको पता है गाइज, मैंने बहुत ही सारे मेकअप आर्टिस्ट को, इन्फ्लुएंसर्स को स्टेक वर्की का प्रोडक्ट यूज़ करते हुए देखती थी, बट मैं नहीं परचेस कर पा रही थी यार, कोई रीज़न हो जाता था। कभी कभी कुछ वजह से नहीं खरीदती थी, कभी कभी सोचती थी कि क्या करूँगी, मतलब ऐसे नहीं खरीद पा रही थी। मतलब क्या ही बताऊँ, कोई वैसा मेन कुछ खास रीज़न है नहीं, बस ऐसे ही नहीं खरीद पा रही थी। बट हाँ, बट इस बार जब मुझे डिस्काउंट मिला तो फिर मेरा तो मन एकदम ऐसे उछल रहा था कि नहीं, अब तो मैं खरीदूंगी इसको। तो ये बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में मुझे ये लिपस्टिक मिला है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ही क्यूट है इसका पैकेजिंग एंड एकदम ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इसको पर्स में ऐसे डालो एंड कहीं भी आप इसको जा सकते हो लेके, बहुत ही ज़्यादा चुटकू सा है। एंड इसमें जो मेरा सेड नंबर है वो है 1, यस इसमें सेड नंबर है मेरा 1, बहुत ही प्यारा सा न्यूड सेड में है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। बहुत ही क्यूट है यार, बहुत ही क्यूट है, इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, यू कैन सी द सेड, बहुत ही प्यारा सा न्यूड सेड है। ये हर एक स्किन टोन पे जाएगा, अगर आप डस्टी स्किन वाले भी हो ना तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एकदम लाइट न्यूड नहीं है, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप पे पिंक सेड है, न्यूड बहुत अच्छा लगा। एंड इसका जो रियल प्राइस है ना गाइज, ये है 250 रुपीज़ का, बट मुझे ये मिला है ओनली 99 रुपीज़। यस, मुझे ये सिर्फ 99 रुपये में मिले, तो मैं तो भाई एकदम मेरा मन किया कि बस ले लो, अब सोचो ही मत, ले लो बस। 99 रुपये के इतने अच्छे लिपस्टिक मिलते हैं कहीं, आपने देखा है? नहीं मिलते यार, अभी भी आप जाके देखो, पर्पल पे ढूंढो, कहीं ना कहीं आपको सस्ते प्रोडक्ट मिल ही जाएंगे, इतना ज़्यादा डिस्काउंट चलता है ना उस पर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगेन एक कंसीलर, एंड ये भी है NYB का ही, ये है NYB का स्पॉटलेस कंसीलर, एंड ये लिक्विड कंसीलर है, ये HD हो गया बस और कुछ नहीं। ये NYB का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर है, सेट नंबर A05। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में है, जैसे लिपस्टिक थी ना उसी तरीके की पैकेजिंग है एकदम। इसका रियल प्राइस है 210 रुपीज़, बट मुझे ये मिला है 105 रुपीज़ का, पूरे 50% ऑफ तेज पे। ये भी मेरे स्किन टोन से मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा डार्क भी है, तो मैंने इसको ऐसे ही कलर करेक्टर के लिए ही यूज़ कर लिया। जैसे ना अगर आपके फेस पे कहीं भी थोड़ा बहुत सा अंडर आइज में डार्क सर्कल है या फिर पिंपल्स के एकदम लाइट लाइट से जो स्पॉट्स रह जाते हैं, तो उनको हाइड करने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑरेंज कलर करेक्टर ही यूज़ करोगे। आप इस तरीके का भी कोई कंसीलर यूज़ कर सकते हो जो कि आपकी स्किन टोन से मैच करता हो या फिर थोड़ा सा डार्क हो, मतलब एक या फिर 2 टोन डार्क में हो। एंड इसका जो एप्लीकेटर है ना, लुक एट दिस गाइस, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, एकदम फ्लेक्सिबल है, यू कैन सी। इसका भी कवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी इजली ब्लेंड भी हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है तो इजली ब्लेंड हो गया है, बहुत ही अच्छा है ये भी प्रोडक्ट। एंड इसका वैसे भी रियल प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर लो अगर आपको चाहिए तो। अगर आप बिगिनर्स हो ना तो आप अफोर्डेबल में कोई कंसीलर ढूंढ रहे हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, अच्छा खासा कवरेज आपको मिल जाएगा। एंड या सो गाइज, जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट परचेस किया है वो है ये मेवलिन न्यूयॉर्क का लेस सेंशियल्स वाटरप्रूफ मस्कारा। एंड गाइज, अगर इस पे सेल नहीं भी चलता फिर भी मैं इसको परचेस करती, क्योंकि मुझे ये बहुत दिनों से चाहिए था, ये और वो जो मैंने मेकअप फिक्सर दिखाया था, ये दोनों ही प्रोडक्ट ना मुझे बहुत दिनों से चाहिए थे, तो डिस्काउंट चल ही रहा था तो मैंने सोचा कि अब चलो परचेस कर लेते हैं। इसका जो रियल प्राइस है वो है 549 रुपीज़, बट मुझे ये मिला है 354 रुपीज़ का, तो 35% ऑफ कुछ कम
ऑफर नहीं है, तो मैंने इसको फटाफट से ले लिया है, क्योंकि वैसे भी ये मस्कारा मुझे बहुत दिन से चाहिए था। मैंने बहुत ही सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को इसको यूज़ करते हुए देखा था कि ये वाटरप्रूफ है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से लेसेस को एकदम वॉल्यूम एंड लेंथ प्रोवाइड करता है। एंड गाइज यस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्कारा है। अगर आपको लेसेस अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप थोड़ा सा अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एकदम बजट फ्रेंडली भी हो और अच्छा खासा एक मस्कारा मिल जाए जिससे हमारा आई लेसेस वाला झंझट हट जाए, तो आप इसको लेके ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगा। एंड ये वाटरप्रूफ भी है, तो आप इसको अप्लाई करके जितना मन चाहे उतना रो लेना किसी की विदाई में, बट ये हटेगा नहीं, अच्छी बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। एंड ये समर सीजन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसके बारे में तारीफ क्या ही करना है, ये तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। एंड इसको मैंने अप्लाई भी कर लिया है 3-5 बार, क्योंकि मैं अभी हाल में ही मैंने एक वेडिंग अटेंड किया था, मैंने सारे ही फंक्शन में इसी को ही यूज़ किया था, एंड बहुत अच्छा है ये। सो यस, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही सारे प्रोडक्ट है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप देखोगे नहीं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये है पर्पल का बी योर ओन BFF कॉम्पैक्ट विथ SPF। सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। मैंने पर्पल का या फिर स्टे क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया था, तो मुझे मिल रहा था तो मैंने ले लिया है। एंड जो इसका प्राइस है, वैसे भी ये दोनों ही ब्रांड्स के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं। इसका जो रियल प्राइस है ना गाइज, वो है 225 रुपीज़, बट मुझे ये ओनली 99 रुपीज़ का मिला है। एंड जो इस पर मेरा सेट नंबर है वो है 4 कैफिन सेल्फ केयर, इसमें मेरा 4 सेट नंबर है। इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, ये बहुत ही सुंदर सा ब्लैक इस तरीके से पैकेजिंग है इसमें। एंड ये बहुत ही अच्छा सा एक मिरर भी इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड इसका जो पफ है वो भी आप देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, तरीके से मेकअप को सेट कर रहा है, मैटिफाई लुक दे रहा है, लॉन्ग लास्टिंग कर देता है, तो अब क्या चाहिए आपको कॉम्पैक्ट से। तो अच्छा खासा प्राइस में मुझे ये मिल गया, तो मैंने इसको ले लिया है। एंड इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसकी पैकेजिंग की जो क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऐसे जो लोकल वाले प्रोडक्ट आते हैं उनके पैकेजिंग उतने अच्छे नहीं होते, बट इसका आप देखो कितना ज़्यादा अच्छा है, कैन सी दिस, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका प्रोडक्ट भी एंड पैकेजिंग भी। एंड ये जो पर्पल पिंक का ये जो ये आउटर पैकेजिंग है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, फाइनली मैंने पर्पल से प्रोडक्ट परचेज किए हैं पर्पल ब्रांड के, तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखा दूँ तो वो है फाउंडेशन, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने लिया है ये NYBae का डुई ड्रॉप लिक्विड फाउंडेशन, एंड इस फाउंडेशन को मैंने पहले भी यूज़ किया है एक बार, मैंने इसका पूरा बॉटल ख़त्म कर दिया है, मुझे ये चाहिए ही था। इसमें मैंने सीड नंबर लिया है 7। एक्चुअली मैंने आपको बताया है कि कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिनका आप सेड नहीं चूज़ कर सकते थे अगर आपको 99 में चाहिए तो मुझे 7 सेड नंबर ही मिल रहा था, तो मैंने इसको लिया है, जो कि मेरे स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा डार्क है, आप देख सकते हो ये मेरे स्किन टोन से मैच भी नहीं कर रहा है, डार्क है ये। तो मैं इसमें लाइट फाउंडेशन मिक्स करके अप्लाई कर लेती, बट मुझे एक और चीज़ मिल गया, वो क्या मिल गया मैं आपको वो आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये जो फाउंडेशन है गाइज, इस पे जैसा लिखा गया है मैं उसके हिसाब से बता नहीं रही हूँ, मैंने उसके हिसाब से नहीं बताऊंगी, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो फाउंडेशन है ना, ये प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका प्राइस है 240 रुपीज़, बट ये मुझे 99 रुपीज़ का मिला है, उससे कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, एक्चुअली मुझे ये चाहिए ही था। अगर इस पर डिस्काउंट नहीं भी होता तो मैं इसको ले लेती, क्योंकि ये 240 रुपये का फाउंडेशन है, बट इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये जो फाउंडेशन है इसका फुल कवरेज आपको मिलेगा, ये एकदम फुल कवरेज प्रोवाइड करता है, एंड एकदम लाइट वेट भी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी फीलिंग नहीं होगी, एकदम ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। बट मुझे ना इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो है इसकी पैकेजिंग, आप देख सकते हो ये एकदम सिंपल सा इस तरीके से बॉटल में मिलता है, कोई भी ड्रॉप या फिर एप्लीकेटर नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे ये अजीब लगता है, बट प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं ये चीज़ उतना नहीं ध्यान देती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि अगर आपको एक अच्छे खासे प्राइस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है ना, तो फिर आपको उसकी पैकेजिंग पे नहीं जाना चाहिए, सच बोलो तो मुझे इसकी पैकेजिंग से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बट फिर भी ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बिगनर्स हो ना, तो अगर आपको अफोर्डेबल में कोई फाउंडेशन चाहिए जो कि बहुत अच्छा खासा कवरेज प्रोवाइड करे, तो आप इसको ट्राई करना। एंड आई थिंक ये पर्पल पे ही मिलता है, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, अब वहाँ पर नहीं मिलता है, तो मैंने इसको पर्पल से ही ले लिया है। तो ये मुझे 99 रुपीज़ का मिला है, बहुत अच्छा लगा मुझे इसको लेके, क्योंकि मैं इसको ढूंढ रही थी, एक्चुअली मैं इसको ढूंढ रही थी बहुत दिनों से कि मिल जाए मुझे। तो ये सेड नंबर डार्क है, सेड नंबर 7 है, और मेरे स्किन टोन से डार्क है, तो इसमें मैं जो मिक्स करूंगी ना वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी अभी आगे वीडियो में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा है, मैं आपको बता दूं कि एक NYBae का नेल पेंट किट है, ये है NYBae का मिनी नेल पेंट किट, एंड इसका जो रियल प्राइस है वो है
249 रुपीज, बट मुझे ये मिला है 199 रुपीज में। इसमें आपको टोटल 5 डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के, मिनी साइज के, मिनी भी नहीं, इतने भी छोटे नहीं है, नेल पेंट्स मिल जाते हैं। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एंड प्यारे प्यारे सेट्स हैं इसमें। मैं इस नेल पेंट के बारे में एक सबसे अच्छी बात आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो कलर तो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा सेट मैं आपको दिखाऊंगी। यू कैन सी द कलर, ये थोड़ा सा ब्लैक है, मतलब थोड़ा ग्रे टाइप पे ब्लैक, एंड उसके बाद ये है थोड़ा मजेंटा पर्पल, एंड देन ये गोल्डन, एंड उसके बाद ये थोड़ा सा पिंकिश टाइप पे, एंड उसके बाद ये सिल्वर। टोटल इसमें आपको 5 डिफरेंट सेट्स मिल जाते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसका सेट भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है गाइस। इस नेल पेंट के बारे में ना, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, आपका नेल पेंट कितने देर में सूखता है, मतलब आप जब उसको अप्लाई करते हो तो वो कितने टाइम के बाद ड्राई हो जाता है नेल पे। मेरा तो पहले जो मैं यूज़ करती थी वो 10 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा भी कभी कभी हो जाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा थिक होते थे, समझ रहे हो आप, वो जो थिक होते हैं वो जल्दी सूखते नहीं है। बट गाइज, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, मैंने बोला कि मैं एक वेडिंग अटेंड करने गई थी, पूरा फंक्शन मैंने अटेंड किया था, तो ये जो नेल पेंट है ना वो एकदम, मतलब एक मिनट भी नहीं लगा था इसको सूखने में, लाइक अप्लाई किया एंड ड्राई हो गया, बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाता है नेल्स पे, एंड मुझे ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगी। अगर आप कहीं जल्दी जल्दी में जा रहे हो और नेल पेंट अप्लाई करना भूल गए, तो आप इसको अप्लाई करो एंड आपको घर से निकलने से पहले ही ये नेल पेंट सूख जाएंगे, तो टेंशन ही नहीं है कि ख़राब कैसे होगा। तो अगर आपके नेल पेंट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना आपके नेल्स पे, मेरे से भी हो जाते हैं, जब भी मैं नेल आर्ट करती हूँ ना, तो बहुत ही टाइम ऐसा होता है कि मेरा नेल पेंट सूखता ही नहीं है और वो ख़राब हो जाता है, कुछ ना कुछ बाल तो सबसे पहले आ जाते हैं आगे, तो उनको ठीक करने के चक्कर में नेल पेंट ख़राब हो जाता है। तो अब कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, आप इसको ट्राई करके देखो गाइज, आई एम सो हैप्पी। एंड मैं फिर से ढूंढ रही थी कि अब मुझे इसका दूसरा सेट चाहिए, दूसरा किट का सेट चाहिए। वैसे इसका सेट नंबर या इस पे मेंशन किया गया है सेट नंबर 08, तो ये लाइट सेट में है, सारे स्मरी हैं। अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक नेल पेंट लगा रखा है, बहुत ही प्यारा सा, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी, तो इसलिए मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी इन सारे नेल पेंट्स के स्वॉचेस की ये कैसे हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर आपको ये डिस्काउंट पे नहीं भी मिल रहा है ना, तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखो यार। वैसे भी इसका एक का पड़ेगा 50 रुपये के आसपास एक पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा नहीं है, आप इसको ट्राई करके देखो, एकदम जादू है जादू, एंड जल्दी हटता भी नहीं है, टिका रहता है बहुत दिनों तक, मैंने इसको अप्लाई किया है, तो यस ये मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज। अगर आपके नेल पेंट्स खराब हो जाते हैं ना, तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखना जरूर। अब जो मैंने इस टाइम रिसेंटली जो शॉपिंग की है वहाँ से, अब यहाँ से वो सारे प्रोडक्ट स्टार्ट हो गए। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है इसमें, ये है NYB का फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक, मतलब कि एक बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट काम कर देगा अगर आपका इसमें सेड वैसा होगा तो। तो जैसा कि मेरा इसमें सेड नंबर है 10 एंड ये ऑरेंज सेड में है, तो ये मैं ऑरेंज कलर करेक्टर की तरह यूज़ करूँगी। इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है, लिपस्टिक की तरह, बुलेट लिपस्टिक जैसी आती है वैसे ही, एंड ये आप देख सकते हो इतना सारा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है इसमें। प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग, एंड जो इसका रियल प्राइस है ना गाइज, वो है 159 रुपीज़, एंड मुझे ये मिला है ओनली 75 रुपीज में। वाओ, एंड इसका जो टेक्सचर है, यू कैन सी द टेक्सचर, बहुत ही क्रीमी है एंड इजीली ब्लेंड भी हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे स्टिक्स होते हैं ना, स्टिक वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे मेकअप स्टिक, जो कि ना अप्लाई करने के बाद जल्दी ब्लेंड नहीं होते हैं, बहुत ही वो ऐसे ड्राई हो जाते हैं क्विकली, उनको ब्लेंड करने में इतना टाइम लग जाता है कि मन नहीं करता उसको अप्लाई करने का, बट इसके साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, एंड इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, एकदम मैट पैकेजिंग है ब्लैक कलर का, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी है, तो अगर आप चाहो तो इसको एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका मन है तो। ये भी अच्छा लगा मुझे, इसका प्राइस भी अच्छा है एंड ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। तो यस, ये हो गया प्रोडक्ट, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मैं बढ़ती हूँ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो अगेन एक स्टिक ही है, वही सेम स्टिक मैंने लिया है, मेकअप स्टिक, बट इसमें सेड नंबर है मेरा 6, एंड इसको मैंने लिया है एज अ कॉन्टोर यूज़ करने के लिए। ये हो गया कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर करेक्टर, एंड ये मैं यूज़ करूँगी कॉन्टोर की तरह। अगर आपकी स्किन टोन मेरे से डार्क है तो आप इसको एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको एज अ कॉन्टोर, एज अ ब्राउजर यूज़ करूँगी, बहुत ही लाइट कॉफी काइंड ऑफ सेड है।
बहुत ही अच्छा लगा। एंड ये गाइज ना ऐसा नहीं है कि ये एकदम क्रीमी है तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको एक बार यूज़ किया था, बहुत अच्छा है ये। एंड अभी मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं, मैं इसको यूज़ करके आपको अच्छे से बताऊँगी, एक शॉर्ट वीडियो में डिटेल दूंगी कि ये कैसा काम करता है। वैसे भी ये मुझे अच्छा लगा, इसका ब्लेंड होने का फॉर्मूला, इसका पैकेजिंग सब कुछ अच्छा है। तो ये दो मैंने मंगाए हैं, सेम कंसीलर, मेकअप स्टिक समथिंग, ये फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो इसे। इस पर जो शेड आप चूज करोगे आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये NYB का मेकअप पाउच। वाओ, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इसमें आपको इस तरीके से एक चेन मिलता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। देखो आप, इसमें आप अपना ब्रश रख सकते हो, मेकअप का सामान रख के, अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो आप इसमें अपना थोड़ा बहुत मेकअप का सामान रख के जा सकते हो, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रख सकते हो। एंड ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा तो, एंड इसकी कलर भी बहुत अच्छी है। इसका जो प्राइस है ना गाइज वो है 299 रुपीज़, मतलब 300 के अराउंड, बट ये मुझे फ्री में मिला है। जी हाँ, ये मुझे 0 रुपए में मिला है, ये मुझे फ्री में मिला जब मैंने दूसरी बार शॉपिंग किया। तो आप शॉपिंग करते जाओ, फ्री का सामान लेते जाओ, डिस्काउंट पे सामान लेते रहो, अब क्या चाहिए आपको। एंड इसके जो ये देखो चेन जो है ना वो बहुत प्यारा लग रहा है, गोल्डन। एंड इसको आप एज अ पर्स भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ा सा ऐसा लूज है ना तो बहुत ही, लेकिन प्रोडक्ट रखने के लिए काफ़ी अच्छा है, सेफ रहेंगे आपके सारे प्रोडक्ट। आप इसमें लिपस्टिक रख सकते हो, ब्रश रख सकते हो। तो ये हो गया मेरा फ्री का सामान, मुझे बहुत पसंद आया। फ्री के सामान अच्छे ही लगते हैं, है ना, अच्छे लगते हैं यानी कमेंट करके बताओ मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ। फ्री के सामान आपको भी पसंद है ना, अब ऐसा नहीं है कि फ्री का लूट का सामान थोड़ी ना, जो फ्री में मिलता है हमें गिफ्ट्स, वो गिफ्ट सबको ही पसंद होते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे तो वो है ये मॉइस्चराइजर। ये है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा मॉइस्चराइजर, मॉर्निंग मॉइस्चराइजर। एंड ये जो मॉइस्चराइजर है इसका जो रियल प्राइस है 220 रुपीज़, बट मुझे ये 99 रुपीज़ का मिला है। एंड ये बहुत ही क्रीमी है गाइज, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ना एकदम हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड एकदम ऐसा चिपचिपसा नहीं लगा मुझे। इसको मैंने सिर्फ एक बार ही यूज़ किया है अभी तक, मैं इसको बाद में यूज़ करके इसका अच्छे से रिव्यू दूंगी। ये आपके फेस को लाइक मॉइस्चराइज एंड नरिश रखेगा, हाइड्रेटेड भी रखेगा इस पर जैसा लिखा गया है, बट ये ऑल स्किन टाइप ऐसा इस पर मेंशन किया गया है। मैं इसको ना अच्छे से यूज़ करके आपको बताऊँगी कि ये कैसा है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 99 रुपये का मॉइस्चराइजर, वो भी इतना बड़ा, वाओ। एंड वैसे भी मैंने बायोटिक के प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं, फेस वॉश यूज़ करती थी मैं पहले एंड अभी मैं यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं यूज़ करती हूँ, पपाया वाला बहुत अच्छा होता है। एंड उसके बाद मैंने टोनर यूज़ किया है, बहुत सारे पैक मैंने टोनर के यूज़ कर लिए हैं, ग्रीन टी वाले, कुकुम्बर वाले, तो नहीं कुकुम्बर वाले ही। तो ये हो गया हमारा मॉइस्चराइजर 99 रुपये का। जो मैंने बोला था ना कि मैं फाउंडेशन में क्या मिक्स करूँगी, तो वो है अगेन वही वाला फाउंडेशन। ये इसमें सेड नंबर है 9, जो कि मेरे स्किन टोन से लाइट है। तो अब मैं लाइट एंड डार्क को मिक्स कर दूंगी तो मेरे स्किन टोन से मैच करता हुआ सेड बन जाएगा। एंड मैंने इससे पहले जो परचेस किया था वो इसी सेड में हो गया था, मेरा लाइट सेड ही था, तो मैं उसमें थोड़ा सा डार्क कलर का मिक्स करके यूज़ करती थी। एंड इसका भी प्राइस सेम है वही, एंड मुझे ये मिला है 98 रुपीज़ में, 98 रुपये, 1 रुपये कम ही होगा। तो ये दोनों को मैं मिक्स करके अप्लाई कर लूँगी, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है, अब इसकी क्या ही तारीफ करूँ, बहुत अच्छा है, फाउंडेशन है। ट्राई करके देखना यार, अगर आपको इनमें से ना जो भी प्रोडक्ट मैंने बताया है कि आप ट्राई करो और नहीं पसंद आया ना तो आप मुझे कमेंट करके बोलना कि आपने बोला है फिर भी ये प्रोडक्ट जो है वो पसंद नहीं आया हमको। ऐसा नहीं है, आप जो भी मैं बोल रही हूँ ना सारे ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हैं तभी मैं बोल रही हूँ। अब इस मॉइस्चराइजर को मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है तो मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं बोल रही हूँ कि आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा है, आप उसको लेके ट्राई करो, आप डेफिनेटली उसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नहीं पसंद आए तो आप बोलना कि नहीं पसंद आया, ठीक है। अब दूसरा जो दूसरा नहीं नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा अगेन नेल पेंट। एंड जो मैंने अभी ये नेल पेंट अप्लाई किया है, अभी आप देख सकते हो ये ग्लिटर वाले नेल पेंट्स होते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नेल पेंट्स के ऊपर भी अप्लाई करो तो अच्छे लगते हैं, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो ये जो है ये है बेला वोस्टिल वोस्टे का नेल पेंट, आई थिंक आई एम राइट, दिस इज बेला वोस्टे प्रोडक्ट, सॉरी यार, बेला वोस्टे का ये नेल पेंट है, यू कैन सी। एंड इसमें ना ये लाइट ग्रीन एंड गोल्डन के सिमर ऐड किए गए, इसमें ग्लिटर है, एक्चुअली ग्लिटर है ये, बट मैंने ना इसमें सेड थोड़ा सा डिफरेंट चूज़ किया था, डार्क ग्रीन था उसमें और गोल्डन था, बट कोई बात नहीं है। इसका जो रियल प्राइस है ना गाइज वो एक का प्राइस है 99 रुपये, बट मुझे ये दोनों ही मिले हैं ओनली 75 रुपीज़ में, दो मुझे मिले हैं ओनली 75 रुपीज़ में। मुझे एक चीज़ और अच्छी नहीं लगी, मैंने ना एक
मैंने एक्चुअली एक ही का सेट चूज किया था, बट इसमें था कि आप मिनिमम दो ही ऑर्डर कर सकते हो. तो मैंने सोचा कि हो सकता है उसका सेट चेंज करके आएगा, तो मैंने बोला चलो कोई भी आएगा तो मैं ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. बट दोनों ही मुझे सेम मिल गए हैं, क्या करूँ मैं अब. बट फिर भी मैं इसको यूज करूंगी, अब फेंकूंगी तो नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको यूज कर लूंगी या फिर एक किसी को दे दूंगी, गिफ्ट कर दूंगी, एंड एक मैं यूज कर लूंगी. बहुत अच्छा लग रहा है, देखो आप कितना प्यारा है. अगर आपको नेल पेंट अप्लाई करना नहीं पसंद है ना, बहुत ही लाइट लाइट सा पसंद करते हो अप्लाई करना, तो आप इसको ट्राई करके देखना, वेडिंग सीजन में बहुत अच्छा लगेगा. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है, आई नो गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट प्लीज थोड़ा सा देख लो. और ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये NYV का ब्लेंडर सेट. ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे मिला. इसका अंदर का पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा. यू कैन सी द पोटली, इसको पोटली बोलते हैं ना, पोटली है ना ये, हाँ ऐसा वाला जो होता है पर्स काइंड ऑफ पोटली होता है. इसमें दो पफ मुझे मिले हैं इस तरीके के, एक पिंक एंड एक ब्लू, लाइट ब्लू. एंड ये मुझे मिला है, इसका जो रियल प्राइस है 99 रुपीज़, बट मुझे ये 75 रुपीज़ में मिला. और ये मुझे उतना, मतलब बोल सकते हैं कि ठीक ठाक लगा. एक्चुअली मैंने इसको परचेस किया था ब्यूटी ब्लेंडर के लिए ही, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी में मैंने इसको ऑर्डर कर दिया. इसमें सिर्फ यही दो पफ मिले मुझे, बट कोई दिक्कत नहीं यार, यूज़ कर लेंगे, उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है. बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, यू कैन सी अभी ये इतना सॉफ्ट लग रहा है. अगर मैं इसको वेट, मैं इसको ट्राई करूंगी एज अ ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने को, हो सकता है कि काम कर जाए. तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक ही लगा, बहुत ही अच्छा नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ ठीक लगा. ब्यूटी ब्लेंडर नहीं आया ना इसीलिए थोड़ा सा उदास हूँ, बाकी बहुत अच्छा है. एंड गाइस जो लास्ट प्रोडक्ट है ना वो है ये NYV का रनवे मैट लिपस्टिक विद आर्गन ऑयल. ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में मिल जाएगा आपको, जैसा इसका कंसीलर होता है ना वैसे ही पैकेजिंग इसका मुझे मिला. एंड मैंने इसका ऑलरेडी एक स्टिक कंसीलर यूज़ किया हुआ है, रनवे NYV रनवे कंसीलर स्टिक. इसमें जो सेट नंबर है मेरा 19 है. एंड इसका अंदर का पैकेजिंग मैं आपको दिखाती हूँ. लुक एट दिस पैकेजिंग, सो प्रिटी, लाइक एकदम लग्जूरियस काइंड ऑफ गोल्डन, ऐसा लग रहा है कि सोने का पैकेजिंग हो, गोल्ड का एकदम. इसका जो रियल प्राइस है ना वो है 230 रुपीज़, बट मुझे ये 99 रुपीज़ में मिला है. एंड ये सेड जो है वो न्यूड है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, यू कैन सी द सेड. ये लिपस्टिक ना बहुत ही क्रीमी है, मैंने इसको सुबह में ही आज अप्लाई किया था. ये बहुत ही क्रीमी है एंड सेट भी काफ़ी प्यारा लग रहा है. लिप लाइनर के साथ अप्लाई करेंगे हम तो इसको यूज़ तो अच्छा लगेगा. फिर स्किन टोन पे या फिर किसी भी स्किन टोन पे ना लिप लाइनर अप्लाई करके लिपस्टिक को अप्लाई करने का तरीका ही एक अलग हो गया, उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, वो और भी ज़्यादा प्रिटी लगता है. तो ये बहुत अच्छा लगा, इसका सेट भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये काफ़ी क्रीमी है, लिप्स को एकदम लाइक बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मुझे इसको. मैंने इसको सुबह में अप्लाई किया था आज, ये मुझे अच्छा लगा. इसको इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है, तो काफ़ी लाइट वेट भी है एंड लाइट वेट है तो काफ़ी यू कंफर्टेबल है, लिप्स पे हैवी नहीं फील हो रहा था. तो ये हो गया हमारा लास्ट प्रोडक्ट. सो गाइज ये थे मेरे आज के सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने पर्पल से परचेस किए हैं. एंड यस ये सारे ही प्रोडक्ट जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिले हैं. आप इन सबको चेक कर लेना एक बार, हो सकता है आपको भी डिस्काउंट पे मिल जाए. एंड अभी भी डिस्काउंट चल रहा है थोड़े बहुत प्रोडक्ट पे, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा था. तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया ना तो जल्दी से कर लो यार, मैं बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक मेकअप हैक्स बहुत कुछ शेयर करती हूँ आप लोग के साथ एंड रील भी शेयर करती हूँ. तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पर हमेशा एक्टिव रहती हूँ. तो प्लीज़ कर लो, जल्दी से कर लो, कौन करेगा, आप लोग ही करोगे. एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, लाइक इतना सा भी अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा. प्लीज़ गाइज इतनी ज़्यादा गर्मी में मैं बैठ के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, एक लाइक तो बनता है ना. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भी एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं रेगुलर लाइक एवरी डे आप लोग के साथ न्यू कॉन्टेंट शेयर करती हूँ. बहुत ही सारे मेकअप लुक, मेकअप टेक्निक, हैक्स एंड स्किन केयर बहुत कुछ शेयर करती हूँ. तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. तो आप चाहो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो एंड कमेंट करके बताना कि आपने भी शॉपिंग किया है या नहीं एंड आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड आपको फ्री गिफ्ट पसंद है या नहीं, आप ये मुझे बताना जल्दी से कमेंट करके. मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिनको मेरी तरफ फ्री गिफ्ट्स बहुत पसंद है. जब मुझे गिफ्ट्स देते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी मुझे जब गिफ्ट्स मिलता है ना तो मैं एकदम हैप्पी हो जाती हूँ, जैसे कि ये हो गया मेकअप पाउच. तो यस आप मुझे कमेंट करके बताना एंड और भी कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है जैसे मेकअप टिप्स, मेकअप हैक, मेकअप ट्यूटोरियल, कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हो लाइक मेकअप एंड ब्यूटी से रिलेटेड, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना, मैं आप लोग के लिए वो वीडियो जरूर लाऊंगी. एंड यस मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल.